अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। शेख नदीम जहीर साहब बात कर रहे हैं सर? जी शेख साहब, आपका नंबर मैंने आफिस शेर साहब से लिया, मेरे से नंबर आपका मिसप्लेस हो गया था। जी अली बात कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी से। जी अच्छा सर, आपसे मैंने पूछना था, ये जो किफायतुल्ला सनाबली साहब इंडिया वाले, जी ये कोई बाकायदा फारगुल तहसील शख्सियत है, कोई आलिम है, ये फाजिल है? क्योंकि एक कोई जलालुद्दीन कासमी साहब हैं जो बड़े मशहूर, मैंने उनकी पहले भी कई वीडियोस देखी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मकबूल है इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा मकबूल है, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हैं और बहुत ज़्यादा उनके मनाजरे वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं ना। तो वो उन्होंने उनका एक चढ़ा हुआ वीडियो यूट्यूब पर चढ़ी हुई है, जिसमें उन्होंने वो जो किफायतुल्लाह सनाबली की किताब है ना, शेख जुबैली जईद मरहूम के जो रद्द में लिखी है, उस पर उन्होंने जनाब लिखा है कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह की पे तनकीद का नाकदाना जायजा। तो उसमें उन्होंने तबसरे में जो अल्फाज लिखे ना शेख जलालुद्दीन कासमी साहब ने, वो तो ऐसे उन्होंने जमीन आसमान के किलाबे मलाए हैं कि जिस तरह आप ये समझ लें कि जैसे वो लखनऊ के शहर नहीं लिखते, यानी इतने मुश्किल और गढ़ किस्म के अल्फाज, यानी इस किस्म की जैसे तखीलाती बातें होती है ना कि जी ये किताब पढ़ के तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंदा बार बार को बार बार में खुशी महसूस करता है ना, तो ये पढ़ के मतलब इंसान को ना बार का सा एहसास होता है। यानी इतनी शानदार किताब लिखी है किफायतुल्लाह सनाबली ने। और दूसरा आपसे ये पूछना है, उसने एक चढ़ाई हुई है ये डॉक्टर अबू जाबिर अब्दुल्ला जमानवी साहब की भी चढ़ाई हुई है कि जी उन्होंने भी रजू कर लिया और बाकी भी और बहुत इस किस्म की चीज़ें कि जनाब ये पाकिस्तान इंडिया में जितने मतलब बड़े बड़े शेखुल हदीस और बड़े बड़े उलमा हैं वो भी अक्सरियत जो है यानी इस किस्म की शेख जुबैर अली जई साहब की तहकीक की बजाय किफायतुल्लाह सनाबली साहब की तहकीक को तरजीह दे रही है और नऊज़बिल्लाह सारे यजीद को रहमतुल्लाह अलैह मानते जा रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या आपकी राय लूँ कि क्या हकीकत है इस बातों की सर? भाई इसमें क्या हकीकत हो सकती है, यानी वो इंडिया में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो उनके बारे में तो हम नहीं जानते वो क्या है, पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब भी अल्लाह की तस्वीर से शेख जुबैर अली जई की तहकीक को लोग मानते हैं, वो तो किसी एक मौकफ, ये जो मौकफ था शुरू से बिलखसूस पाकिस्तान के जो अहलुल हदीस हैं उस एक ही वो लाइन में चले जा रहे थे, ठीक है, इसलिए हाँ जी इसलिए वो ज्यादा रुझान का पाकिस्तान में जो अहलुल हदीस अवाम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ सर। उलमा भी शुरू से कसरत तो उसी तरफ ही है ना। किस की तरफ है ये? अपना किफायतुल्लाह सनाबली वाली लाइन पे है। हाँ जी नहीं, हमने तो सुना है कि जो बड़े बड़े अहले हदीस के जितने काबरीन है सारे यजीद को अच्छा नहीं समझते थे। नहीं अच्छा नहीं, वो सबूत वाला मामला है, शुरू से जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं सबूत इख्तियार किया जाए, लाभ तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, लेकिन आम रुझान तो वही है। नहीं सकूत तो मेरे ख्याल में जुबैर अली जई साहब भी सकूत के ही कहल थे। हाँ जी, लेकिन ये जो कंसेप्ट बन गया कि उसको यानी बिल्कुल ही मासूम बना दें और उसको पाकीज़ा बना दें और सारा कर दें और कत्ल हुसैन से भी बड़ी कर दें, ये कंसेप्ट था कि नहीं था? ये तो सारी जदीद ज़हनी इख्तिरा है, लेकिन बहुत बहरहाल शुरू से चला आ रहा है। तो आप बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं, वो कहते हैं जी शेख जुबैर अली जई इसमें मुतफरद हैं, बिल्कुल वो अकेले हैं, उनके अलावा किसी ने भी ये इस पर जला नहीं की, ये आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम दुरुस्त है इन लोगों का? आप खुद देखे शेख जुबैर अली जई तो इस दौर के आलिम हैं, इनसे पहले इमाम दाबी, इब्ने जौज़ी, इमाम अहमद बिन हंबल, वैसे तो माशाल्लाह शेख उमर सिद्दीक साहब जो मुनाज़िरे आ रहे हैं इस वक्त वो भी उस पे बड़ा डट के इस पे खड़े हैं। हेलो हेलो, मैं असल में गाड़ी में बैठा हूँ, कोई नहीं आ रही। तो नहीं आपके इनके साथ कोई कोई खतो किताबत वगैरह हुई है किफायतुल्लाह साहब वगैरह के साथ? नहीं बस यही जो रिसाले में लिखा जा रहा है बस वही है। तो ये मुफ्ती अपने जो उमर सिद्दीक साहब है उनको तो इन्होंने तो इनको मुनाज़रे का चैलेंज भी दिया था ना, इन्होंने मेरे ख्याल में कबूल नहीं किया किफायतुल्लाह साहब ने? इतना नहीं मुझे पता,
सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता, सोशल मीडिया की बातें हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।